हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो से ताल्लुक रखने वाले 30 मजदूरों ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बेटोंग से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत सरकार व झारखंड सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है। कंपनी की ओर से पिछले 4 महीने का वेतन नहीं मिलने से वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं। पूर्व में पश्चिमी अफ्रीका के माली में 33 मजदूरों के फंसे होने के मामले सामने आए थे। पिछले 3 वर्ष पूर्व 30 जनवरी 2019 को बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तिस्कोपी निवासी वासुदेव महतो और चेन्नई के एजेंट शिवम द्वारा 3 साल के एग्रीमेंट पर लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन SDN BSD में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर भेज दिया गया। 3 साल का एग्रीमेंट वीजा की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। सभी मजदूरों का वीजा भी खत्म होने की वजह से मजदूर गुलाम की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। सभी मजदूरों ने बकाया राशि दिलवाकर वापसी की गुहार लगाई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब दलालों के चक्कर में पड़कर गरीब तबके के लोग विदेशों में फंस जाते हैं, और पूर्व में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें दलाल द्वारा मजदूरों को ज्यादा रुपये कमाने का लालच देकर विदेशों में भेज दिया जाता है और वे विदेश जाकर फंस जाते हैं। ऐसे में सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फंसे मजदूरों में विष्णुगढ़ प्रखंड के जगलाल महतो, गोविंद महतो, चेतलाल महतो, भुवनेश्वर महतो, मनोज महतो, लीलो महतो, सुरेश महतो, गिरधारी महतो, प्रकाश कुमार महतो, तिलेश्वर महतो और प्रदीप कुमार महतो हैं। विष्णुगढ़ से अमूल्य चंद्र पांडे की रिपोर्ट।